हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चॉइस बुटीक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज का मेजरमेंट लेना सिखाऊंगा कि ब्लाउज का मेजरमेंट सही तरीके से कैसे लिया जाता है, और आने वाली वीडियो में फिर मैं उसकी कटिंग और स्टिचिंग भी बताऊंगा। तो आज सीख लेते हैं कि प्रॉपर अच्छे तरीके से ब्लाउज का नाप कैसे लिया जाता है। जब हमारे बुटीक में कोई कस्टमर आता है तो हमने कैसे उसका नाप लेना चाहिए, तो उससे पहले क्या करना है, हमने कुछ आइकन ड्रॉ करने हैं जिनके आगे हमने नाप लिखना होता है, ठीक है, ताकि हमें सब कुछ याद रहे और सही तरीके से हम नाप ले पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने नाप लेने से पहले देखिए कुछ ये आइकन यहाँ पे लिख देने हैं, जैसे लेंथ, ब्रेस्ट पॉइंट, ठीक है। लेंथ के लेंथ का नाप लेंगे तो यहाँ एल लिख दिया है, यहाँ पे ब्रेस्ट पॉइंट, उसके बाद ब्रेस्ट, उसके बाद कमर यानी वेस्ट से, उसके बाद बाजू, उसकी मोहरी, ये आर्म होल का राउंड, ये फ्रंट का गला और ये बैक का गला। तो ये कितने नाप हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 नाप आपने लेने हैं। तो यहाँ पे आएगी लेंथ, यहाँ पे आएगा ब्रेस्ट पॉइंट, यहाँ पे ब्रेस्ट, फिर कमर, फिर बाजू, उसकी मुहरी, आर्म होल का राउंड, फ्रंट का गला, बैक का गला, ठीक है। तो ये 9 जगह आपने कुछ इस तरह से ये यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। इनके आगे ही हमने नाप लिखना है। तो चलिए नाप लेते हैं और लिखते हैं, बताता हूँ कि किस तरह से नाप लिया जाता है। तो चलते हैं डम्मी पर। हाँ, सबसे पहले देखिए लेंथ का नाप लेना है इस तरह से, ये कंधे से और कमर तक। और कस्टमर से भी इस बारे में बात कर लेनी है कि देखिए मैडम, ये 14.5 आपका यहाँ पे आ रहा है। कई बार कस्टमर को थोड़ा लेंथ ज़्यादा पसंद होती है तो वह बता देंगे उस समय। तो इस तरह से आपने नाप सेट कर लेना है। तो ये 14.5 पे आया, लेंथ 14.5 पे है। और यहाँ से देखिए ब्रेस्ट पॉइंट का भी आपने अनुमान लगा लेना है, जो ब्रेस्ट पॉइंट होता है। तो ये देखिए 9.5 पे आ रहा है। आपने कोई भी फिंगर कस्टमर की बॉडी से टच नहीं करना है, इस तरह से ही नाप लेना है। तो 14.5 और 9.5 ये आपने लिख देना है, यानी 14.5 लेंथ है और 9.5 ब्रेस्ट पॉइंट आ रहा है 9.5 पर। उसके बाद लेना है ब्रेस्ट का नाप इस तरह से, देखिए ऐसे, इस तरह से इंची टेप को कर लेना है, देखिए ऐसे, और ऐसे नाप लेना है बिल्कुल ब्रेस्ट पॉइंट के ऊपर को इस तरह से, और यहाँ ठीक बीच में इस तरह से नाप लेना है। ऐसा नहीं ये वाला इंच टेप ऐसे आ रहा है नीचे को इस तरह से, या ऐसे आ रहा है, बिल्कुल ठीक उसके ऊपर को, ठीक ब्रेस्ट के ऊपर को, और ये बिल्कुल बीचों बीच ऐसे नाप लेना है, ये ऐसे। तो ये 34 इंच ब्रेस्ट आई, ना मैंने ज़्यादा टाइट किया ना ज़्यादा लूज, बिल्कुल बॉडी से लगता हुआ ऐसे नाप लेना है आपने, ये देखिए इस तरह से। और ध्यान रहे कोई भी फिंगर कस्टमर की बॉडी से हमारी टच ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 34 आया। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे नापेंगे, यहाँ पे ऐसे नाप लेंगे, या यहाँ पे साइड में नाप लेंगे, ये आपने बिल्कुल बीच में रखना है। सूट का नाप लें, ब्लाउज का, या किसी भी ड्रेस का आपने नाप लेना है, तो देखिए ये इस तरह से नाप लेना है, ये देखिए, यानी एक फिंगर ये देखिए अंदर, और देखिए इस तरह से। तो ये 34 आया है, तो 34 लिख देना है आपने, या जितना भी आए। उसके बाद आई कमर की बारी, तो कमर का नाप देखिए, कमर का नाप भी हमने जहाँ तक हमने लेंथ ली थी वहीं पे नापना है इस तरह से। तो ये देखिए 25.5 आया, तो ये 25.5 लिख देना है, या आपका जितना भी आए उतना लिख देना है। उसके बाद आते हैं आस्तीन की बारी। तो आस्तीन का नाप ये देखिए इस तरह से, जहाँ से ये कंधे की सिलाई होती है वहाँ से, और जितने भी कस्टमर को नाप, मतलब बाजू की लेंथ चाहिए, 4 इंच 5 इंच 6 इंच 7 इंच जितना भी चाहिए उनको, उतना ही आपने रखना है। तो सपोज करो यहाँ पे इन्होंने 4 इंच की बाजू ली, तो ठीक 4 के आगे से हमने ऐसे मुहरी नापनी है। तो ये देखिए 9.5 इंच, ये देखिए 9.5 इंच आ रहा है, ठीक है।
हल्का सा लूज, ये देखिए ऐसे ऐसे रख करना है आपने, ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल ही फिट कर देंगे, ठीक है। तो ये 9.5 इंच, तो चार बाजू 9.5 इंच मोहरी, और ये राउंड ऐसे लेना है जो आरमोल का राउंड है, ये देखिए इसको भी ऐसे लेना है। एक एक उंगली आपके अंदर होनी चाहिए, एक फिंगर, तो ये देखिए 13 इंच आया, ये देखिए। तो जितना भी आए वह लिख देना है। अब लेते हैं फ्रंट के गले का नाप, तो फ्रंट के गले का नाप भी आपने ऐसे लेना है 6.5-7, 7.5 तो बहुत हैवी साइज में चलता है, तो 7 तक देखिए नॉर्मल है, यहाँ तक ब्लाउज का नाप हम लेंगे फ्रंट के गले का, तो ये 7 इंच आया। इस तरह से आपने नाप लेना है, देखिए। अब चलते हैं बैक की ओर, कि बैक का नाप कैसे लेना होता है। तो ये देखिए बैक का गले का नाप, सूट का लें या ब्लाउज का लें आप, तो बैक के गले का नाप भी देखिए इस तरह से ही यहाँ से लेना होता है। ये देखिए 7, 7.5, 8 जितना भी लें, कस्टमर को बता दें कि देखिए मैडम 8 इंच आपका यहाँ तक आ रहा है, 8.5 यहाँ तक, जहाँ तक भी वह बोले, ऐसे अपनी फिंगर टच करके उनको बताना है। सिर्फ यहीं पे आपको फिंगर टच करनी है बैक के गले में, और कहीं भी कोई भी अपना कोई भी फिंगर बॉडी से टच ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ ऊपर ये उंगली लगाई हुई है, इतना तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए, तो ये जैसे हम 9 पे रखेंगे या 9.5 पे, ऐसे ही उनसे आपने पता करना है, कस्टमर से पूछना है, जितना भी वो बोले उतना ही आपने लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आपने नाप लेना है, देखिए क्रॉस में ऐसे, ठीक। तो ये सारे ही नाप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पूरा नाप हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से ही आपने नाप लेना होता है, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में, जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं इस नाप के अकॉर्डिंग ही, या कोई भी किसी का भी नाप के अकॉर्डिंग, देखिए सब कस्टमरों का मैं ऐसे ही नाप लेता हूँ, और इस नाप के अकॉर्डिंग मैं आपको कटिंग करना बताऊँगा आने वाली वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।